नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि इंसान जो भी कार्य करता है हर बार पहली ही बार में सफल हो जाए ज़रूरी नहीं है। कई बार उसे जो असफलता हाथ लगती है, गलतियां वो करता है और गलतियां करके जो सीखता है वही अनुभव का रूप ले लेते हैं और वो जीवन में फिर आगे से आगे बढ़ता चलता है। किसी ने कहा है कि यदि इंसान गलतियां ही ना करे तो वो भगवान बन जाए। वास्तव में यदि हम कुछ करना शुरू करते हैं तो उतार चढ़ाव आते हैं और सीखते हुए हम आगे बढ़ें, ये हमारे अंदर एक सुंदर संकल्प होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए, त्रुटि ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा सोच करके कार्य की शुरुआत ही नहीं करते और वो लोग जहाँ खड़े होते हैं वहीं खड़े रह जाते हैं। ज़रा सोच के देखिए, यदि आप स्विमिंग पूल के किनारे खड़े हुए हैं, डर रहे हैं कि कहीं मैं जाऊं और गलती से डूब ना जाऊं, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या कभी तैरना सीख पाएंगे? या अपनी गाड़ी को गैराज में ही खड़ी रखें ये सोच करके कि बाहर निकालूंगा, कोई ठोक ना दे, कहीं मैं ना ठोक दूं, कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कभी भी आप ड्राइविंग नहीं सीख पाएंगे। तो डरे नहीं, गलतियों से सीख लेके आगे बढ़ना, यही तो जीवन है और यही सिखा रहा है आज का हमारा सुंदर सुवाक्य। गलतियां यह भी दर्शाती हैं कि आप कितने मेहनती हैं। यदि आप परीक्षण और त्रुटि की प्रक्रिया में हैं, तो गलतियां हमेशा बुरी नहीं होती हैं। प्रयत्न त्रुटि विधि या फिर ट्रायल और एरर समस्याओं को हल करने की एक मूलभूत विधि है। इसमें संभावित हल को तब तक बदल बदल कर और बार बार प्रयत्न किया जाता है जब तक सफलता न मिले। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए योजना बनाने, क्रियान्वित करने और विश्लेषण करने के साथ साथ गलतियों से सीख लेकर पुनः प्रारंभ करने की भी जरूरत है। अगर जानबूझकर नहीं किया गया है तो गलतियां प्रगति का संकेत है। सच ही है, जो कुछ करता है गलती तो उसी से होगी। जो कुछ कर ही नहीं रहा है उससे क्या गलतियां होंगी और वो जीवन में क्या आगे बढ़ेगा। विवेकानंद जी ने भी कभी कहा है कि यदि लोग आपको कुछ कह रहे हैं इसका मतलब है कि आप कुछ कर रहे हैं और सतत आगे बढ़ रहे हैं, और यदि कोई कुछ नहीं कह रहा है तो निश्चित रूप से आप या तो ठहरे हुए हैं या फिर बिल्कुल क्रियाहीन हैं। तो गलतियों से ना डरते हुए हम आगे से आगे बढ़ते चलें, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है मित्रों कि गलतियों को बार बार दोहराया जाए। एक बार गलती हुई, उससे हमने सीख ली, अनुभवी हुए और आगे बढ़े। कई बार हम खान पान, रहन सहन, अपनी दिनचर्या, इन सब में भी गलतियां करते रहते हैं। गलतियां पे गलतियां फलता बीमार होते रहते हैं। कैंसर एक बड़ी तकलीफ जिसके बारे में लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन डरने की भी बात नहीं है क्योंकि इसका सुंदर निदान कल भी राजयोग के रूप में हमने देखा। आज भी डॉक्टर प्रेम मसन जी राजयोग के माध्यम से कैसे कैंसर में हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, मदद कर सकते हैं, औरों को भी कैसे इसमें मोटिवेट कर सकते हैं, उस पर सुंदर प्रकाश लेकर हमारे बीच हैं। राजयोगा मेडिटेशन एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स करता है, हैप्पी हार्मोन्स की लेवल बेटर होती है, ऑक्सीटोसिन लेवल बेटर होता जाएगा, हमारे थिंकिंग पैटर्न को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो जो हमारे अंदर नेगेटिव टिश्यू डैमेज होते हैं उनको वो रिपेयर करता जाएगा। इसके कारण रेगुलर मेडिटेटर में कैंसर होने के चांसेस कम होते जाते हैंगे, खुशी की मात्रा बढ़ती जाती है, हैप्पीनेस इंडेक्स बेटर होता है। खुशी भी एक एंटी कैंसर गुण है, क्वालिटी है। हैप्पीनेस अगर अच्छा रहता है तो हमारे अंदर जितना भी डैमेज होता है वो रिपेयर होना
शुरू कर देता हैगा। डोपामिन सीरोटोनिन लेवल भी इम्प्रूव होता जाता हैगा। ओवरऑल ये देखा गया कि राजयोग मेडिटेशन से इम्यूनिटी बेटर होती है, नेचुरल किलर सेल्स अच्छे हो जाते हैं और वो कैंसर सेल को पिकअप करके डिस्ट्रॉय करते हैं। आइए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं राजयोग मेडिटेशन। मित्रों, बात गलतियों की हो रही है तो एक बहुत ही पते की बात, जो हृदय जो मन ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ गलतियाँ कम से कम होती हैं या फिर नहीं के बराबर होती हैं। लेकिन जो मन और हृदय विकारों के वशीभूत है, जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक भावों से भरा हुआ है, वहाँ गलतियों पे गलतियाँ होती ही चलती हैं। इसीलिए कहा गया है कि यदि आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो मन हृदय प्रकाशित होता चलता है और आप पापों से, बुराइयों से, गलतियों से मुक्त होते चलते हैं। इसका मतलब है कि हम अध्यात्म की ओर एक कदम ज़रूर बढ़ाएं, ईश्वर को अपना साथी बनाएं ताकि गलतियां ना हों, लेकिन गलतियों से हम आगे एक कदम बढ़ करके अच्छाइयों को अपने जीवन में भी ला पाएं और औरों को भी अच्छा करने के लिए प्रेरित कर पाएं। आइए सुंदर भाव के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। देखते हैं प्रोफेसर राजीव जी आज हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। नमस्कार, ओम शांति। बहनों और भाइयों, कृष्ण भक्ति में डूबी हुई मीरा वृंदावन में भजन गा रही थी। एक संगीतज्ञ ने उनका भजन सुना तो उन्हें लगा, संगीतज्ञ महोदय को, कि मीरा जो गा रही है वो राग में नहीं गा रही है। संगीतज्ञ ने कहा, मीरा तुम जो गा रही हो ना, वो राग में नहीं गा रही हो। तो मीरा ने कहा कि मैं राग में नहीं गाती हूँ, मैं तो कृष्ण के अनुराग में गाती हूँ। हम भी जो भजन करते हैं, करवाते हैं, उसमें संगीत को देखने की कोशिश करते हैं, ताल को देखने की कोशिश करते हैं, शब्द चयन को देखने की कोशिश करते हैं, मगर सबसे बड़ी बात जो होनी चाहिए वो है आपके अंदर का भाव। यदि आपके अंदर के भाव में परमात्मा के प्रति अनुराग है तो आपकी भजनावली उसके कानों तक जरूर पहुंचेगी और वो अपनी आशीर्वाद की वृष्टि से आपके जीवन को कर्म पथ की तरफ आलोकित कर देगा। ओम शांति। कहते हैं कि मनुष्य को अपनी गलती छोड़कर बाकी सब कुछ नजर आता है, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। यदि उनके सामने 10 लोगों को खड़ा किया जाए तो 10 की गलतियां वो निकाल लेंगे, लेकिन अपनी गलती नज़र नहीं आती। लेकिन बड़ा वो है, महान वो है, जो अपने अंदर झांकता है, अपनी कमियों को देखता है, उनमें सुधार लाता है। क्योंकि तो कहा गया है, स्वपरिवर्तन से ही समाज और विश्व का परिवर्तन हो सकता है। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, खुद को परिवर्तित कर सकते हैं। तो अपनी गलतियाँ जहाँ कहीं भी दिखाई दें, हम उन्हें परिवर्तित करते चलें। और यही सुंदर सीख शिक्षा ब्रह्म कुमारी संगठन सबको प्रदान कर रहा है। आइए देखते हैं इस संगठन की सेवाओं की एक झलक। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर इस वार्षिक प्रोजेक्ट थीम के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज डोंबिवली शाखा घाटकोपर सब जोन ने यूएन प्रोजेक्ट 2022 इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस को जोड़ते हुए यूथ विंग और एजुकेशन विंग के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों में कार्यशाला और ग्रुप डिस्कशन का आयोजन किया, जिसमें डोंबिवली के कई कॉलेजों ने, जैसे वंदे मातरम कॉलेज, रॉयल कॉलेज, जीआर पाटिल कॉलेज आदि ने बड़े ही उमंग उत्साह से भाग लिया। शुरुआत 3 मिनट मेडिटेशन से की गई। उसके बाद सभी को यह संकल्प दिया गया कि आप नए विश्व का रचयिता है, आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे और वैसा ही भारत बनेगा, विश्व बनेगा। तत्पश्चात एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस पर प्रकाश डाला गया। उन्हें ये भी अवगत कराया गया
कि युवा पीढ़ी अपने को जागृत रखते हुए एक ऐसे नए भारत, नए विश्व के रचना के लिए मिसाल बन सकता है और ऐसा गोल्डन एज यानी स्वर्णिम युग ला सकता है, जहां शांति, प्यार, सत्यता और खुशी ही जीवन जीने का तरीका है। छात्रों ने गीत, ड्रामा, डांस, शायरी के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया। तत्पश्चात माननीय प्रिंसिपल और ट्रस्टी ने संस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि कैसे ब्रह्मा कुमारीज वैल्यूज और मेडिटेशन के द्वारा श्रेष्ठ कार्य करते हुए नए भारत को विश्व प्रसिद्ध करने में योगदान दे रही है। साथ ही विनर ग्रुप को और सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रमाण पत्र के द्वारा सम्मानित किया गया और कॉलेज के प्रिंसिपल और ट्रस्टी को मोमेंटो व टोली से सम्मानित किया गया। जाते जाते एक और गहरी चिंतन की बात जो आज पूरे सबरंग में हमने चर्चा की है मित्रों, क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। अपनी गलती को स्वीकार कर लेना और उसे सुधारने का प्रयास करना, यही बड़प्पन है। यदि हम अड़ जाते हैं कि नहीं, मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं किया है, और अपने आप को जैसे सिद्ध करने की कोशिश करने लगते हैं, तो ना तो वो गलती परिवर्तित होती है और ना ही माहौल सकारात्मक हो पाता है। क्या होता है यदि हम अपनी गलती को स्वीकार कर लें? रियली औरों की नज़र में हम बड़े बन जाते हैं, औरों को भी हम प्रेरित करते हैं कि वो भी अपनी गलतियों को माने, स्वीकार करें और परिवर्तित होते चलें। तभी तो समाज को, परिवार को, संसार को हम बेहतर बना पाएंगे। मित्रों, बहुत गहराई से इस बात पर आज चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। कल पुनः नई सुंदर बातों के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।